हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अविनल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ सटीक बाय परमार। तो दोस्तों, आज अपन टॉपिक एसएससी रीजनिंग। तो एमपीपीएससी, रेलवे बोर्ड और खासकर रेलवे बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों जान लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से वो अपनों को घुमाता है और हमें कैसे उसको डील करना है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक दो संख्याओं का योग 56 है और उनका अंतर 44 है। फिर कहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट ए प्लस बी लिख दो 56, ए माइनस बी बराबर 44। अब इनको अगर अपन क्लास करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, तो ये से ये कट गया और ये 2a बराबर 6 × 5, 6 × 4 = 10, 4 × 5 = 10, 5 × 5 = 10, 100 और 2 से भाग लगाया तो 50, a का मान 50 आ गया। जब a का मान 50 है तो b का मान कितना होगा, 6। ये दोनों संख्या अपने पास आ, क्योंकि 50 और 6 56 हो रहे हैं। एक सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पच्चीस से उनपचास कैसे बने, तो आगे देखते हैं 83 से क्या बनने वाला है ना। 111 और 210 121 देखते हैं। ये चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो सकता है। देखिए 25 से ये संख्या कैसे बनी, देखिए देखते हैं, 2 + 5 जोड़ते हैं तो 2 और 5 कितना होता है, 7, 7² = 49। इसी तरह 83 को देखते हैं कि 8 + 3 बराबर कितना होगा, 11 × 11 = 121 इज द राइट आंसर। अगला जान लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सात नौ इक्कीस और 29 पदों तक का योग करना है, कैसे करेंगे आप योग। देखो योग का सबसे पहले तो अपनों को चाहिए योग के लिए, एक तो ए वाला ही तो है सी फर्स्ट बार। देखो 9 में 7 गए तो 2 और यहाँ है 11 में से 2 गए तो 9 गए तो 2 है ना। तो देखो योग करेंगे टी एस है ना, तो एन बाय टू 2a + n-1 इंटू डी ये होगा, और कुल पद कितने हैं, n पदों तक योग करना है, सात से 29 तक केरा 29 पदों का योग करना है। 29 पदों तक का योग करना है, 29 पदों तक का योग करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 29/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 = 14 प्लस n यानी कि 29 - 1 और सर्वांतर 2। देखो तो 29/2 दो साथी 14 प्लस यहाँ पे 28 × 2 = 56 और 14 × 56 = 70, तो 29/2 × 70/1 दो से काटा 35, 35 का गुणा 35 29 9 × 5 = 45 का 5 × 4 9 × 3 = 27 = 31 और 2 × 10 = 1 और द्वितीय छेद 7 5 × 1 = 7 × 10 1015 कितना योग आएगा, 1015। तो आयोग के समझ में आ गया है ना, इस तरह से इसका योग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।
चार संख्याओं का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार है, योग 16 पहली और चौथी का अनुपात क्या होगा? देखो चार संख्याएं अपने पास है जिनका अनुपात दे रखा, तो 1x 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 16, ठीक है। चार संख्या अगर अनुपात एक पौधों में दे रखी तो उसका x में गुणा कर ले अपन। देखिए एक अनुपात कमान आ जाएगा है ना, तो 2 × 1 = 3, 3 × 6 = 10, 10x बराबर 16, x बराबर 16/10 16/10 और 2 × 8 = 16, 2 × 10 यानी कि इस x का मान है 8/5, x का मान 8/5। अभी इसने क्या कहा, पहली और चौथी का अनुपात ज्ञात कीजिए, पहले और चौथी इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो 1x/4x, ठीक है, और x की जगह क्या लिखना, 8/5, तो यहाँ लिखेंगे अपन 8/5 और यहाँ 8/5, 5 उलट गुणित हो जाएगा यानी कि 8/5 × 5/8, ये कट गया, 8 से 8 कट गया, 1/4, इसका अनुपात क्या होगा, 1/4 होगा। अयोग की समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें रूट में दिया है 32, 2 √, 3 √, 4 √ दिया है और इसकी पावर इसने 16 दी है। देखो अब यहाँ पे इस एक रूट को अगर हटाएंगे तो 32 की पावर कितनी आएगी, देखो 1/2 आएगी, फिर इसको हटाएंगे तो फिर 1/2 आएगी, फिर इसको हटाएंगे तो 1/2 आएगी और इसको भी हटाएंगे तो 1/2 आएगी और ये पूरे की पावर 16 है, तो 2 × 4 × 8 × 16/16 हो जाएगा, 16 16 कट गया यानी कि इसका आंसर 32। आंसर कितना आएगा उसका, 32 इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 लो, यानी कि a प्लस बी सी डी इन चार संख्याओं का औसत कितना दिया उसने, 27 दिया। औसत आता दोस्तों सबसे सेंटर की संख्या होती है, तो ये कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या ज्ञात करेंगे, देखिए बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 27 सम संख्या, 27 बाद कौन सी होगी 28, फिर कौन सी होगी 30, इससे पहले कौन सी होगी 26, इससे पहले कौन सी होगी 24। तो अपने पास 24, 26, 28, 29 ये चार संख्या है जिनका औसत 27 आ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए 56 + √56 इन्फिनिटी और इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। देखिए जान लेते, इस 56 में दो फैक्टर करेंगे, 7 × 8 जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए है ना, तो जो प्लस लग रहा है तो बड़े वाला फैक्टर इसका आंसर, अगर यह माइनस लगाया तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा 7 होगा, माइनस लगाया तो ठीक है। दोनों तरफ का मैंने आपको बता दिया। अगला है √7 √7 √7 और यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है तो आंसर क्या होगा बताइए, इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी है ना अनंत,
जब इन्फिनिटी तक जाए तो इसका आंसर होगा 7। ये संख्या इसका आंसर होती है, वही संख्या इसका आंसर होती है। अगला है, रूट पाँच और यहाँ इन्फिनिटी नहीं है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जब इन्फिनिटी नहीं होती है तो क्या होगा, एक का दो लेंगे, फिर इसका दो लेंगे, इस अंक का दो लेंगे, इस अंक का दो लेंगे, दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी 16। तो ये जो 5 है इसकी पावर 16 से कम करेंगे, यानी कि 15/16 16 से कम कर देंगे तो 15/16 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन 10 वर्ष प्रतिशत दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा, तिगुना होगा, तिगुना साधारण ब्याज है तो 3-1 अपान, देखो दो तरह से होता है क्वेश्चन, आपके पास एक रुपया से कितना हो रहा, 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 2 रुपये का, तो आपको क्या निकालना है, समय। तो ब्याज इंटू 100/ मूलधन आपका प्रिंसिपल 1 है और दर कितनी ली आपने, 10% ली, सिपर करके 10 × 20 20 वर्ष में वो तिगुना हो जाएगा। आयोग के सामने आ गया है। अगले क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको और देख लीजिए। देखिए 1/35 + 1/63 + 1/195 + 1/255 बराबर क्या होगा, मतलब इसका योग आप इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे, सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे, नहीं आ सकता ना। देखिए पर आ सकता है, सेकंड में आंसर आ सकता है। इसकी फैक्टर करिए, 5 × 7 5×7 = 35, डिफरेंस कितना आ रहा, 2 का। अब 2 का डिफरेंस आ रहा तो 2 जोड़ 7, ये 7 यहाँ रखिए, 7 × 9 7 × 9 = 63, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। इसी तरह यहाँ पे भी आप 9 रखिए, 9 × 2 9 × 11 11 × 99 2 का डिफरेंस। इसी तरह यहाँ पे भी आप 11 × 13 यहाँ 13 × 15 और यहाँ 15 × 17 रख सकते हैं, सब में डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके से लोग इसको सोल्व करते हैं, अपना वही ट्रिक देखते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रिक, 6 संख्या है तो 6 लिख दो, पहला अंक 5 है, लास्ट अंक 17 है, बस कुछ नहीं करना, पहला गुणांक कितना है 5, लास्ट गुणांक 17 है, तो 6/17 बन जाए 85 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, टर्म से गिन लो और 17 × 85 बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। आई होप सुनने आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।